ज्ञानिनामग्रगण्यम बलबुद्धि विद्या देवमोहि हरेहु कलेश विकार। ज्ञान विद्या के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान हर मनुष्य ज्ञानी है उसके अपने फील्ड में। जब भी ज्ञान की चर्चा होती है तो कोई हारता या जीतता नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों या जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। विद्या के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। जब ज्ञान का अभिमान होना शुरू हो जाता है प्राणियों में, तो वो बाकी लोगों को क्षुद्र, छोटा, अल्प समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्मा भी हूँ, अहम ब्रह्म और न जाने क्या क्या। मैंने एक दिन अपने नाती, 8 साल का है, उसको ऐसे ही बोल दिया कि यार तुम्हें कुछ पता तो है नहीं है उसके जवाब ने मेरे को झंड कर दिया बोला दादू सबसे बड़ी मीनार कहाँ पे है? सऊदी अरबियन कंट्रीज़ में। वो कितनी मंजिल है, कितना उसमें लोहा, कितना उसमें स्टील और पता नहीं क्या क्या, कितने ईंट शीट लगे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ से चांद की दूरी और मंगल की दूरी कितनी है, वो आप मुझे बता सकते हैं? बृहस्पति ग्रह के कितने वो मून चक्कर काट रहे हैं, आपको नहीं मालूम? आप को इंग्लिश भी नहीं मालूम, आपको जापानी भी नहीं मालूम, आप गिटार भी नहीं बजा सकते, आप हारमोनियम भी नहीं बजा सकते, आप सुर में भी नहीं गा सकते तो इतने में छोटी 5 साल की, 4 साल की नारायणी कहती हैं, भैया दादू को ऐसे नहीं बोलते, सुर में गाओ मेरी तरफ से उसने बोल दिया तो ज्ञान का अभिमान। उसने मुझे कहा कि दादू आप अपनी गायों के बारे में बताओ, कैसी कैसी चल रही है आपकी गायें, कितनी लंगड़ी हैं, कितनी आँख नहीं देखती हैं, उन पर ध्यान रखो। तो प्रियवर, मैं तो पहाड़ी आदमी, गाय चराने वाला, गायों के घावों को साफ करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला हूँ, मुझे ज्ञानवान से जो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा सब लोगों से यही प्रार्थना रहती है हमेशा कि ज्ञान जहाँ से भी हो सके उसे ले लेना चाहिए ज़िंदगी के आखिरी क्षणों तक, और किसी को भी तुच्छ ना समझें, कम ना समझें, सब अपने अपने जगह पर मास्टर हैं, अग्रगण्य हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा सब पर होती है। तो ज्ञान का अभिमान अच्छा नहीं, तो करें आप भी इस पर विचार, कर लीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, जय अखंड भारतवर्ष।